तो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के न्यूमेरिकल्स में हमने पहला फॉर्मूला क्या किया, करंट निकालने का फॉर्मूला किया। और करंट निकालने का फॉर्मूला क्या है, के बाय एन बी ए इंटू एल्फा, एल्फा का मतलब क्या है, डिफ्लेक्शन। तो ये मेरे पास क्या आ गया, फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ करंट। फिर हमने डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस कैसे किया, क्रॉस मल्टीप्लाई करके एल्फा एक तरफ बाकी टर्म्स एक तरफ। फिर फिगर ऑफ मेरिट का फॉर्मूला मैंने क्या करवाया था, आई बाय एल्फा या के बाय एन बी ए। करंट सेंसिटिविटी का फॉर्मूला क्या था, या तो डिफ्लेक्शन कितना प्रोड्यूस होता है अपॉन करंट या एन बी ए बाय के, कुछ भी। ऐसे ही वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या होती है, करंट सेंसिटिविटी बाय रेजिस्टेंस। तो वोल्टेज सेंसिटिविटी एल्फा बाय वी, और वी की जगह क्या, आई इन टू आर, और ये फॉर्मूला मैंने करवाया एन बी ए बाय के आर। क्लियर है यहाँ तक? तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको यही आइडेंटिफाई करना है कि गिवन क्या है। रेक्टेंगुलर क्वाइल है जिसका एरिया ए गिवन है और नंबर ऑफ टर्न्स एन गिवन है। एरिया पता है, एन पता है। वन ऑफ इट्स वर्टिकल साइड द क्वाइल इज इन रेडियल हॉरिजॉन्टल फील्ड ऑफ बी इज 90 गॉस। गॉस को टेस्ला में कन्वर्ट करना होता है, 10^-4 टेस्ला। वॉट इज टॉर्शनल कॉन्स्टेंट, टॉर्शनल कॉन्स्टेंट का मतलब क्या है, के। जब करंट की वैल्यू कितनी है, 0.20 mA, तो इतना करंट पास हो रहा है, प्रोड्यूसेस एंगुलर डिफ्लेक्शन ऑफ 18 डिग्री। अब यहां पर प्रॉब्लम है, कई लोग पूछते हैं कि डिग्री रहने दें या रेडियंस करें, क्योंकि ज्यादातर लोग रेडियंस में काम करते हैं। इसमें आपको क्या करना है, इसके अंदर अगर आप डिग्री ही लेते हो, मान लो आप डिग्री रहने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और आप इस फॉर्मूले को क्रॉस मल्टीप्लाई करके के निकालना चाहते हो ना, तो के एक तरफ बाकी टर्म एक तरफ, तो अगर आप इसमें अल्फा को डिग्री में रहने देते हो तो आपके के यूनिट भी क्या आएंगे, पर डिग्री आएंगे। अगर आप रेडियंस कन्वर्ट करते हो फिर पर रेडियंस आएंगे, आपके यूनिट चेंज हो जाएंगे। बस मैं इसको ऐसे देखता हूं, देखो इस क्वेश्चन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आपने अल्फा को डिग्री लिया तो के डिग्री, ये रेडियन तो ये रेडियन। कई बार अल्फा और के दोनों गिवन होते हैं क्वेश्चन में, तो आपको देखना पड़ता है कि के पर डिग्री में है तो अल्फा भी पर डिग्री में चलेगा, और अगर के रेडियन में है तो अल्फा भी पर रेडियन चलेगा। के और अल्फा की यूनिट मैच करने चाहिए बस, ठीक है? तो मेरे को इस क्वेश्चन में के निकालना है, मैंने डिग्री पुट किया, मेरा आंसर पर डिग्री में आ गया, डन। ठीक है, तो यूनिट्स कैलकुलेट कर लेना। एन बी आई ए क्या होता है, टॉर्क, और टॉर्क का यूनिट्स क्या होते हैं, न्यूटन मीटर, और अल्फा का मतलब डिग्री, पर डिग्री, न्यूटन मीटर पर डिग्री। इस क्वेश्चन को देखें प्लीज। देखो, रेक्टेंगुलर क्वाइल हैविंग ईच टर्न ऑफ लेंथ एल गिवन एंड ब्रेथ गिवन, एल गिवन है, बी गिवन है, इज सस्पेंडेड फ्रीली इन रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। तो रेडियल का मतलब स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है, बी गिवन है। टॉर्शनल कॉन्स्टेंट भी गिवन है, जिसके यूनिट्स किसमें गिवन है, पर रेडियन। तो फिर इसका मतलब एल्फा भी किसमें लेंगे, पर रेडियंस। द क्वाइल डिफ्लेक्ट थ्रू एंगल ऑफ एल्फा, ऑलरेडी किसमें गिवन है, रेडियंस। व्हेन अ करंट आई गिवन है, फाइंड नंबर ऑफ टर्न्स। तो पता ही है गैल्वेनोमीटर का वही एक ही तो फॉर्मूला है, इस बार नंबर ऑफ टर्न निकालने, एक तरफ बाकी टर्म्स एक तरफ। तो के पता है, अल्फा पता है, आई पता है, बी पता है, ए पता है, आंसर। तो पॉइंट क्लियर है यहाँ तक, वैल्यूज पुट कर लेंगे यहाँ पे, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखें प्लीज।
करंट ऑफ 200 माइक्रो एम्पियर डिफ्लेक्ट्स द कॉइल ऑफ अ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर थ्रू 30 डिग्री। तो आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है, आई वन गिवन और अल्फा गिवन है, व्हाट शुड बी द करंट। फिर सेकंड केस, करंट निकाल लो जब अल्फा टू कितने है पाई बाय 10 रेडियस। तो इसके अंदर एंगल ध्यान से, एक डिग्री और एक रेडियन, या तो दोनों डिग्री कर लो या दोनों रेडियंस कर लो, क्लियर है यहाँ तक। तो इस क्वेश्चन के अंदर आपको आई वन पता है, आई टू निकालना है, आपको अल्फा वन पता है, अल्फा टू भी पता है, पर अल्फा टू आपको किस में गिवन है, आपको इसमें डिग्री में निकाल लेना, तो डिग्री में कैलकुलेशन हो जाएगी इसमें, तो दोनों डिग्री कर लिए। अब करंट और अल्फा की रेशियो, करंट का फॉर्मूला गैल्वेनोमीटर से पता है, ना तो इन दोनों केसेस में एन के चेंज हो रहा है, ना एन, ना बी, ना ए, क्या चीज चेंज हो रहा है, सिर्फ अल्फा। तो आई प्रोपोर्शनल टू अल्फा, आई वन प्रोपोर्शनल टू अल्फा वन, आई टू अल्फा टू, दोनों को डिवाइड करके आई टू आई वन अल्फा टू अल्फा वन, तो क्रॉस मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा, आई टू आ जाएगा, एक आंसर आ गया। फिर वो क्या कह रहा है, एक और चीज़ निकाल लो, सेंसिटिविटी निकाल लो, करंट सेंसिटिविटी निकाल लो। करंट सेंसिटिविटी के दो फॉर्म, इसमें कुछ भी यूज़ कर लो, अल्फा वन बाय आई वन कर लेना या अल्फा टू बाय आई टू, क्योंकि कितना एंगल घूमा और कितना करंट पास किया, यही फॉर्मूला करंट सेंसिटिविटी का, दोनों को डिवाइड करके आंसर कैन बी कैलकुलेटेड। तो क्लियर है यहाँ तक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अगर सर बोलो, सर अगर नॉर्मल सेंसिटिविटी निकालने के लिए कहा है तो हमेशा करंट सेंसिटिविटी, ओके सर। गैल्वेनोमीटर नीड्स 50 मिलीवोल्ट फॉर अ फुल स्केल डिफ्लेक्शन ऑफ 50 डिवीजंस। अब ये नहीं हमने किया कभी, हमने नॉर्मल चीज़ें पढ़ी पर ये नहीं पढ़ा कि 50 मिलीवोल्ट फॉर फुल स्केल डिफ्लेक्शन फॉर 50 डिवीजंस, ये क्या चीज़ है। कभी कभी क्या होगा, आपको कुछ कुछ क्वेश्चंस में एंगल अल्फा नहीं देगा वो आपको, वो क्या करेगा, वो ये समझता है कि अगर क्वाइल अल्फा घूम गई तो नीडल उसके हिसाब से घूम गई। देखो जैसे सपोज ये मीटर है गैल्वेनोमीटर का, ये नीडल है, इसके ऊपर क्या गिवन है, डिवीजंस है, तो अल्फा घूम गई या डिवीजंस ज्यादा कवर हो गए, बात एक ही है। तो जो करंट सेंसिटिविटी होती है, जो हमने फॉर्मूला किया वो किया कितना एंगल घूम गई डिवाइडेड बाय आई, अल्फा बाय आई, ऐसे किया। लेकिन कभी कभी अल्फा ना देते हुए वो आपको क्या कहेगा, नंबर ऑफ डिवीजंस, अल्फा की जगह नंबर ऑफ डिवीजंस डिवाइडेड बाय आई, क्लियर है यहां तक। तो क्या करेगा, नंबर ऑफ डिवीजंस अपॉन आई, ये भी करंट सेंसिटिविटी है, क्योंकि जितना एंगल घूमेगा उतने नंबर ऑफ डिवीजन भी होंगी। अब फुल स्केल डिफ्लेक्शन क्या होती है, मतलब पूरा मीटर में ये सुई इधर घूम गई, फुल स्केल हो गई। तो जैसे ये जीरो वोल्ट है, ये मान लो 1 मिली वोल्ट है, 2 मिली वोल्ट है, तो मैक्सिमम कितनी है, 50 मिली वोल्ट है, इमेजिन कर लो। तो इसकी फुल स्केल डिफ्लेक्शन कितनी है, 50 मिली वोल्ट है, जो आखिरी रीडिंग होगी। और नंबर ऑफ डिवीजन कितनी है इसमें, 50 डिवीजन हैं। तो ऐसे ये टर्म्स गिवन होंगी, 50 डिवीजन्स हैं और जिसमें मैक्सिमम वोल्टेज कितनी है, 50 मिली वोल्ट है। कैसे यूज़ करना है अभी बताता हूँ। इस क्वेश्चन के अंदर गैल्वेनोमीटर नीड्स 50 मिली वोल्ट फॉर अ फुल स्केल डिफ्लेक्शन ऑफ 50 डिवीजन। तो मुझे एक बात बताओ, करंट सेंसिटिविटी निकालने का एक मैंने क्या नया तरीका बताया, अल्फा को वी से डिवाइड कर दो, सॉरी अल्फा को आई से डिवाइड कर दो, और वोल्टेज सेंसिटिविटी का भी सेम रूल है, अल्फा को वी से डिवाइड कर दो या अल्फा की जगह डिविजन्स अपॉन वी का मतलब वी। तो यहाँ पर क्योंकि अल्फा नहीं गिवन, यहाँ पर क्या गिवन है, डिवीजन गिवन है, तो हमें कितने डिवीजन गिवन है, 50, 50 डिवीजन में कितनी वोल्टेज आती है, 50 मिली वोल्ट, इन्हें डिवाइड करके वोल्ट में कन्वर्ट करके जो मेरे पास वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, वोल्टेज सेंसिटिविटी। तो समझ आया यहाँ तक पॉइंट, तो मैं वोल्टेज सेंसिटिविटी की वैल्यू गिवन होगी, क्या ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक,
नेक्स्ट है फाइंड वोल्टेज सेंसिटिविटी, आ गई एक आंसर आ गया। व्हाट मस्ट बी इट्स रेजिस्टेंस, अगर करंट सेंसिटिविटी ये है। अब देखो आप करंट सेंसिटिविटी आप पहचान रहे हो कैसे, नंबर ऑफ डिवीजन अपॉन करंट, एंगल बाय करंट की जगह नंबर ऑफ डिवीजन बाय करंट भी क्या कहलाती है, करंट सेंसिटिविटी। तो आपको क्या निकालना है इसमें, रेजिस्टेंस निकालनी है। आपको फॉर्मूला पता है क्या, जो वोल्टेज सेंसिटिविटी होती है वो करंट सेंसिटिविटी बाय रेजिस्टेंस होती है, ठीक। तो आपको रेजिस्टेंस निकालनी है, रेजिस्टेंस क्या होगी, करंट सेंसिटिविटी बाय वोल्टेज सेंसिटिविटी। अब करंट सेंसिटिविटी क्वेश्चन के अंदर मुझे गिवन है 1 डिवीजन पर माइक्रो एम्पियर, और वोल्टेज सेंसिटिविटी मैंने ऑलरेडी निकाली हुई है, डिवाइड करके ऑटोमेटिकली क्या आएगी, रेजिस्टेंस। बस फर्क यह है माइक्रो को कन्वर्ट कर लेना 10^-6, ऊपर जाएगी 10^6, डिवीजन कैंसिल, ओम में आंसर आएगा। तो क्या ये पॉइंट क्लियर है कि कैसे आपने सोचना है इसमें। ठीक, क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक, कोई डाउट इसमें, ध्यान ठीक है। नेक्स्ट इस क्वेश्चन को रीड करें प्लीज, इस क्वेश्चन को देखें। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर हैज दी फॉलोइंग पर्टिकुलर्स, एन पता है, एरिया पता है, बी पता है, रेजिस्टेंस पता है वगैरह, ठीक है। ये वैल्यूज है, इंडिकेट अ सिंपल वे टू इंक्रीज द करंट सेंसिटिविटी बाय 25%। लेकिन साथ में ये भी कह रहा है गिवन इट इज नॉट ईजी टू इंक्रीज एरिया या बी, कह रहे हैं एरिया के बारे में मत सोचना क्योंकि करंट सेंसिटिविटी का ये फॉर्मूला होता है। आपको कह सर एरिया बढ़ा दें, वो कह रहे नहीं एरिया नहीं बढ़ाना, बी बढ़ा दें, कह रहे बी भी नहीं बढ़ाना, के तो वैसे ही मटेरियल पे डिपेंडेंट है, के वैसे नहीं बढ़ सकता, तो बचा क्या, नंबर ऑफ टर्न्स। तो आप क्या कहेंगे, नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दो, और क्या, नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाएंगे तो करंट सेंसिटिविटी भी बढ़ जाएगी। अब आपको करंट सेंसिटिविटी कितने परसेंट इंक्रीज करनी है, 25%। तो अब नंबर ऑफ टर्न्स को 25% बढ़ा दो, तो पहले नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, 24, 25% ऑफ 25% का मतलब होता है 1/4, 1/4 ऑफ 24 कितने हैं, 6, तो 24 में 6 ऐड करेंगे क्या आएगा, 30। तो यानी कि आप नंबर ऑफ टर्न को 24 से 30 करोगे तो नंबर ऑफ टर्न 25% बढ़े तो करंट सेंसिटिविटी 25% बढ़ जाएगी। तो आप प्लीज नंबर ऑफ टर्न्स को 24 से 30 कर लें, पहला पॉइंट क्लियर है। दूसरा, अगर मैं ऐसा करता हूं, इन डूइंग सो रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल इंक्रीजेस टू 21 ओम, अब प्रॉब्लम हो गई, मैंने नंबर ऑफ टर्न तो बढ़ा दिए, 14 ओम की जगह लेंथ ज्यादा लग गई और 21 ओम हो गई रेजिस्टेंस। अब ऐसा करने से कह रहे वोल्टेज सेंसिटिविटी चेंज हो गई, तो वोल्टेज सेंसिटिविटी ज्यादा हुई या कम हुई ये आपको बताना है। पॉइंट समझ में आया, नंबर ऑफ टर्न तो बढ़ा दिए, करंट सेंसिटिविटी तो बढ़ गई, साथ में वोल्टेज सेंसिटिविटी हिल गई, तो कह रहे वोल्टेज सेंसिटिविटी इंक्रीज हुई कि कम हुई। तो इसमें वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या होती है, एन बी ए बाई के आर। अब इसमें के ए बी तो चेंज हुए नहीं, तो हमने ऊपर क्या चीज चेंज की, नंबर ऑफ टर्न्स एंड रेजिस्टेंस। तो जब मैंने नंबर ऑफ टर्न्स 24 रखे थे ओरिजिनली, तो रेजिस्टेंस कितनी थी, 14, तो n बाय r की रेशियो कितनी है, 1.7। क्यों निकाल रहे हैं n बाय r, क्योंकि ये फैक्टर चेंज हो रहा है, n बाय r अगर मान लो कम हो गया तो वोल्टेज सेंसिटिविटी कम हो गई, n बाय r की रेशियो बढ़ गई, वोल्टेज सेंसिटिविटी बढ़ गई। तो इस केस में पहले नंबर ऑफ टर्न 24 है और r 14 है, तो ये n बाय r है। अब नंबर ऑफ टर्न 30 है, r 21 है, तो ये n बाय r है, राइट। तो n बाय r की रेशियो अब कितनी हो गई, बढ़ कम हो गई, 1.7 से 1.4 कम हो गई,
अगर एन बाई आर की रेशियो कम हो गई तो वोल्टेज सेंसिटिविटी भी कम हो गई, तो आंसर डिक्रीज हो गई। क्लियर है? ठीक। नेक्स्ट, देखो, टू इंक्रीज द करंट सेंसिटिविटी ऑफ अ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर बाय 50%। अब मैं क्या चाहता हूँ, टू इंक्रीज द करंट सेंसिटिविटी बाय 50% बढ़ाना चाहता हूँ, इट्स रेजिस्टेंस इज इंक्रीज्ड सो दैट न्यू रेजिस्टेंस बिकम्स 2R। तो ऐसा करने के लिए मेरे को रेजिस्टेंस को क्या करना पड़ा, आर से 2R। बाय वॉट फैक्टर वोल्टेज सेंसिटिविटी चेंज, आपने करंट सेंसिटिविटी तो बढ़ा ली, वोल्टेज सेंसिटिविटी हिल गई, तो वोल्टेज सेंसिटिविटी कैसे चेंज हुई? तो मुझे पता है वोल्टेज सेंसिटिविटी करंट सेंसिटिविटी एंड रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन, मुझे पता है कि वोल्टेज सेंसिटिविटी इज करंट सेंसिटिविटी बाय रेजिस्टेंस। तो ये पुरानी वोल्टेज सेंसिटिविटी है, तो नई वोल्टेज सेंसिटिविटी वी एस डैश, नई करंट सेंसिटिविटी आई एस डैश, और नई रेजिस्टेंस आर डैश, या आर डैश कर लेना या 2R कर लेना, क्योंकि रेजिस्टेंस मैंने आर से क्या कर दिया, 2R। तो ये स्टेप क्लियर है यहां तक? अब मुझे बताओ कि जो नई करंट सेंसिटिविटी है जो इंक्रीज होके आई 50% ज़्यादा होके आई, यानी कि आई एस डैश क्या होगा, पुरानी करंट सेंसिटिविटी में 50% और बढ़ा दें तो कितना आएगा, 150 बाई 100 इंटू आई एस, तो नई करंट सेंसिटिविटी 3/2 आई एस। इसको यहाँ ऊपर पुट कर देते हैं ये री, और रेजिस्टेंस की जगह 2R ये रहा, तो सॉल्व करके ये आंसर आ गया। और ये क्या चीज़ है, पुरानी वोल्टेज सेंसिटिविटी, तो नई वोल्टेज सेंसिटिविटी इज 3/4 टाइम्स पुरानी वोल्टेज सेंसिटिविटी। तो आइडिया क्लियर है कैसे यूज करना है इसे? ठीक है यहाँ तक?